आपका फिर से स्वागत है दोस्तों की नई वीडियो में। आज की दोस्तों इस वीडियो में हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं मेथी की, जिसको कि हम इंग्लिश में फेन्यूग्रीक भी बोलते हैं। ये मेथी को लगो लगो ग्रो करे हुए हमें 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं, और इसकी 2-3 बार तो हमने हार्वेस्टिंग भी कर चुके हैं, और अब ये 3री बार हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। अब तो ये लास्ट स्टेज पर, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो ऊपर फूल वगैरह आने लगे हैं, और ये थोड़े दिनों बाद अगर नहीं काटे तो इसी में इसकी सीड्स बनना शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये बेकार हो जाएगी। तो इसलिए अब जितनी भी है हम उसे हार्वेस्ट करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने के लिए मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं टेरिस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो तोड़ना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं फेन्यूग्रीक मेथी लग रखी है काफ़ी सारी, और ये देखिए अब इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। काफ़ी सारी मेथी लग रखी है, इसको आपको पूरा नहीं तोड़ना, ऊपर ऊपर से बस पत्ते वगैरह तोड़ने हैं, जिससे कि दोबारा से पत्ते निकल आए नीचे साइड के। तो ये ध्यान रखना है आपको, वैसे आपको सब तोड़ लेनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों हम तोड़ रहे हैं धीरे धीरे करके मेथी को। अगर इसको ना तोड़ते दोस्तों तो ये खराब हो सकती थी थोड़े दिनों में। दोस्तों आपको तोड़ते रहनी है। और दोस्तों मैंने ये भी बताया कि आप मेथी को कैसे घर पर ग्रो कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताया था मैंने, वो वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पब्लिश हो चुकी है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपको मेथी उगानी है। तो मेथी आप अभी इस सीज़न में भी ग्रो कर सकते हैं, अच्छी होगी आपकी मेथी काफ़ी सारी। तो आपको तोड़ लेनी है ये छोटे छोटे जो पत्ते हैं, इनको आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं, कोई कैंची वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब मैं आपको तोड़ने के बाद पूरी मेथी दिखाता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमने आधी मेथी भी नहीं हार्वेस्ट कर पाए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है दोस्तों इसमें, और हमने थोड़ी बहुत करी है। आप देख सकते हैं ये रखी हुई है, थोड़ी बहुत करी है, और आपको इसी तरीके से हार्वेस्ट कर लेनी है। अगर आप छोटे छोटे पत्तों को हाथ से तोड़ेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जैसे कि आपको नीचे से तोड़ दिया जैसे कि इसकी स्टेम से, तो आप इससे भी तोड़ सकते हैं। ये कटर आता है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ये गार्डनिंग टूल्स में ही आता है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको परचेस करना हो तो। और ध्यान रखिएगा जैसे दोस्तों मैंने गलती से जड़ उखाड़ दिया, तो आपको जड़ नहीं उखाड़नी, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख सकते हैं जो जड़ के ऊपर ये देखिए छोटे छोटे से और पत्ते नए नए निकल रहे हैं, ये देखिए। तो अगर आप इसको ऊपर से तोड़ लेंगे तो ये पत्ते नीचे से ऊपर तक दोबारा से मतलब कि आ जाएंगे, और फिर आप दोबारा से इसे हार्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो बीज लिया था हमने, ये हमने हाइब्रिड सीड्स का बीज लिया था। हाइब्रिड सीड्स के बीज में दोस्तों आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं मेथी को, पर दोस्तों एक दिक्कत रहती है हार्वेस्ट सीड्स में, जो उसकी जो हाइब्रिड सीड्स जो आती हैं उसमें एक दिक्कत रहती है कि ये मेथी आप सिर्फ 2 से लेकर 3-4 बार तक तोड़ सकते हैं। अगर वही आप देसी सीड्स का इस्तेमाल करो तो आप मेथी ज़्यादा बार तोड़ सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर से तोड़ा, ये देखिए इसके ऊपर से तोड़ा, ये देखिए आप लोग, तो और इसके नीचे देखिए कितने सारे पत्ते बन रहे हैं नए नए, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग कितने सारे नए नए पत्ते बन रहे हैं इसके ऊपर, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ओनली आपको सिर्फ ऊपर से तोड़ने हैं, नीचे पूरी जड़ नहीं उखाड़नी है। अगर आपको मतलब जैसे कि अगर आप अब आपको मेथी नहीं चाहिए, मतलब कि आप मेथी की जगह कुछ और ग्रो करना चाहते हैं, तो उस केस में आप लोग पूरी जड़ के मतलब जड़ के साथ आप इसको उखाड़ सकते हैं। पर जैसे कि काफ़ी लोग तो दोस्तों कम ही लोग होते हैं जो दोस्तों एक बार जैसे ग्रो करने के बाद उनको मतलब कि दोबारा से तोड़ के दोबारा से कोई चीज़ ग्रो करेंगे, जब तक चल रही है तब तक तो दोस्तों इसी को चलन देते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी जल्दी मतलब कि ये ऐसी वेजिटेबल्स में आती है कि जो काफ़ी जल्दी ग्रो होती है, और काफ़ी जल्दी इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी बार इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा ग्रो करके, काफ़ी बढ़िया चीज़ है दोस्तों। आप चाहे तो उसके पराठे बना सकते हैं, आप चाहे तो उसकी सब्जी बना सकते हैं, और सर्दियाँ दोस्तों वैसे भी चल रही हैं, तो आप चाहे तो मेथी आलू वगैरह की सब्जी बना सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी है ये वेजिटेबल, और काफ़ी ज़्यादा इससे हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे करके तोड़ते हैं, बातें मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, काम कम कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको देख सकते हैं कि हमने अभी आधी थोड़ी बहुत हार्वेस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं ये देखिए। अब दोस्तों मैं आपको पूरी हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आधी मेथी पूरी हार्वेस्ट कर चुके हैं, ये देखिए आधी इस तरफ की पूरी हमने कर ली, और हमें अभी इस तरफ की और करनी है दोस्तों। अब करते हैं हम लोग दोस्तों हार्वेस्टिंग करने का टाइम, दोस्तों काफ़ी खुशी होती है कि जो हमने मेहनत की पूरे साल भर या पूरे महीने भर, उसका हमें आज रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों अलग ही फीलिंग आती है जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो आप देख सकते हैं।
थोड़ी बहुत और रहेगी, इसकी भी जल्दी जल्दी से हम हार्वेस्टिंग करते हैं। और दोस्तों आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और वीडियोस को लाइक नहीं करते तो दोस्तों मोटिवेशन नहीं फिर कहाँ से मिलेगा दोस्तों, फिर तो फिर दोस्तों इसलिए हम दोस्तों वीडियो वगैरह नहीं बना पाते, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे कि आप मतलब कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो फिर दोस्तों हम कहाँ से बनाएंगे उस टॉपिक वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको जैसे कुछ भी आपको जैसे कोई भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा पक्का कि उस टॉपिक पर आपकी लिए वीडियो बनाऊँ। तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए, जैसे कि आपको जो भी वीडियो चाहिए होती है आप देख सकते हैं। अब हमने मेथी हार्वेस्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, ये घास वगैरह उगाइए बीच में इसके, इसको तोड़ देंगे ये कोई वेड्स वगैरह के फॉर्म में है, ये देख सकते हैं आप लोग वेड्स है ऐसी कुछ, ये अपने जरूरत नहीं है अपने को। मेथी के बीच में ग्रो हो जाती है दोस्तों अनवांटेड ग्रास जिसको कहते हैं हम लोग, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको पूरी हार्वेस्टिंग करने का दिखाता हूँ, आप तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने मेथी हार्वेस्ट कर ली है पूरी, और इस तरफ से भी हमने मतलब कि अब ज़्यादा नीचे डीप तक नहीं हार्वेस्ट की, क्योंकि जो नए पत्ते निकल रहे हैं इनको भी निकलना देना चाहिए जैसे कि अब ये दोबारा से ग्रो करें। तो ध्यान रखना आपको ज़्यादा नीचे तक भी आपको हार्वेस्टिंग नहीं करनी, मैंने जिस तरफ से वीडियो को शुरुआत में बताया था कि आपको कैसे हार्वेस्ट करनी है तो उसी प्रकार से आप भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, और आप भी इसे ग्रो करके देखिए काफ़ी ईजिली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो का एम रखते हैं 70 लाख का, आई होप कि आप कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स।